नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा छिपाब दौत उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पछाड़ के सरकारी स्कूल में 4 दिवसीय ओलंपिक टूर्नामेंट कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पछाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता एवं जिला महासचिव मूलचंद शर्मा गोलखेड़ी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि छोटे छोटे गांव में छुपे खेल के प्रति लगन और मेहनत करने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अवसर आया है, जिसके चलते हर गांव से खिलाड़ियों को आगे लाकर खड़ा करना है और उभरती हुई प्रतिभाओं को निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील, जिला और प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। वहीं सरपंच श्रीमती सरिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी खिलाड़ियों को खेल के प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए, खेल को खेल की भावनाओं से खेलना चाहिए, खेल के प्रति सभी नियम व कायदे कानून को ध्यान में रखकर ही खेलना चाहिए। सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस शामिल है। इससे आपकी प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बढ़ेगा। मेरी सभी ग्रामीण क्षेत्रवासियों से अपील है कि सभी इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें सभी प्रतिभाएं सामने आएगी और उनको सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बरेली कैंट थाना क्षेत्र के परगवा में दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। इसमें कावड़ लेकर जा रहे 32 कावड़ियों को मुचलके पर पाबंद किया गया। जिन लोगों को मुचलके पर पाबंद किया गया है, जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं, उनका कहना है कि उनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं है। वहीं इस मामले में SSP बरेली से शिकायत की गई कि निर्दोष लोगों को मुचलके पर पाबंद किया जा रहा है, लिहाजा मुचलके के आदेश को निरस्त किया जाए। परगवा गांव में कावड़ यात्रा के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों को मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया था। SSP ऑफिस पहुंचे लोगों का कहना है कि उनके गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों से लखौरा गांव के लोगों का विवाद हुआ था, परगवा गांव के किसी भी हिंदू व्यक्तिगत का विवाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा के लिए गए थे और शांतिपूर्वक वापस आ गए। शांतिपूर्वक आने जाने को लेकर उन्हें थाने में सम्मानित भी किया गया था, मगर अब हल्का इंचार्ज ने परगवा गांव के 32 कावड़ियों को चलके पर पाबंद किया है। SSP ऑफिस पहुंचे लोगों ने गुहार लगाई है कि हल्का इंचार्ज ने जो थाने में बैठकर मुचलका पाबंदी की रिपोर्ट तैयार की है, वो गलत है। उन लोगों को मुचलके पर पाबंद किया गया है जिन लोगों ने कोई भी फसाद नहीं किया है। लोगों ने मुचलके पर पाबंद करने वाली रिपोर्ट को निरस्त करने की SSP से गुहार लगाई है। अभिषेक सर 16 क्या हुआ आपके साथ? सर जल अभिषेक के लिए गए थे कचला, तो मुचलका में नाम आ गया हमारा। कोई विवाद हुआ तुम्हारे साथ? विवाद कुछ नहीं हुआ था सर, CO मैम खुद थी साथ हमारे। कौन से थाने का मामला है? थाना कैंट। कहाँ का था तुम्हारा? परगमा। अनुराग पटेल। अनुराग पटेल। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 17 साल। कहाँ के रहने वाले हो? परगमा। क्या हुआ आपके साथ? हम जल भरने गए थे तो उसमें हमारे लिस्ट में नाम आ गया था। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं उसमें मुचलका में। हेमंत जी क्या मामला है, आप कहाँ से आए? सर हम ग्राम परगमा पोस्ट उमरसिया जिला बरेली के रहने वाले हैं। सर हमारे गांव की कांवर यात्रा बिल्कुल शांत तरीके से गई और आई, जिसमें हमारे CO मैडम श्वेता सिंह, थाना कैंट इंस्पेक्टर, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स सब मौजूद थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। विवाद जो हुआ था वो हमारे गांव के मुस्लिम पक्ष और दूसरे गांव के कांवरियों के बीच हुआ था, ठीक है। तीसरे पक्ष के फिर ये मुचलका हमारे लोगों के भरे गए हैं। लखौरा और परगमा के मुस्लिम पक्ष में, ठीक है। और हमारे तीसरे पक्ष के सर, हमारा जो जत्था था, जितने लोग थे सभी के नाम भर दिए, जिसमें 5 लोग नाबालिग हैं।
सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप कांवर यात्रा लेके जाइए, हम फूले से स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे कैंट थाना की तरफ से हमारा ऐसे स्वागत किया गया। जैसा कि आपने बताया था पुलिस के अधिकारियों ने आप लोगों को मेडल भी दिए थे, वो क्या मामला? हाँ, थाने में बुला के सम्मानित भी करा गया था, उसके बावजूद ये हुआ। किस चीज का सम्मानित करा था? चक्र लगाया था, कमेटी बनाई थी कि कोई कुछ ऐसा होगा नहीं, दूसरे दोनों समुदाय आपस में मिलके बात करेंगे। अब मेरा सर केवल ये है कि कैंट इंस्पेक्टर जो कार्रवाई कर रहा है वो केवल थाने में बैठ के मुचलका की लिस्ट भरी जा रही है, गांव में जाके सर मुचलका उनके भरे जाते हैं जो क्रम जैसे झगड़ालू टाइप के होते हैं। और दूसरा मेरा ये कैंट थाना इंस्पेक्टर से कि अगर हमारा यही गुनाह है कि हम कांवर लेने जाएंगे तो ये कि हमें लिखित में आदेश जारी कर दें कि कांवर लाना गुनाह है, हम कांवर नहीं लाएंगे और बंद कर देंगे। किस किस के आप यहाँ जी सर 32 लोग हमारे हैं, जिसमें से 5 लोग नाबालिग हैं, बाकी बालिग हैं और सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सर वो ये बताइए स्कूल जाएं या आप तारीख लेंगे? विवाद से हमारे गांव का हम कह रहे हैं कि सीओ मैडम थी मैजूस, किसी से भी थाना अध्यक्ष खुद बुला के पूछ ले कि कांवरियों के साथ, परगमा के कांवरियों के साथ कोई झाड़ हुआ तो हम गुनहगार हैं। हमारा गुनाह केवल इतना है कि हम कांवर यात्रा लेने गए, 32 लोग हिंदू पक्ष के, सर उन दोनों को पक्ष के होने चाहिए थे, मुस्लिम पक्ष के उनके भरे गए नहीं भरे गए। हमें माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ही महीने से शहर के कैंट इलाके में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिर वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान तेंदुए ने मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे शिकार में जानवरों को ही निवाला बनाया। शहर के कैंटोमेंट इलाके में रहने के कारण नर तेंदुए की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। आलम यह था कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कैंट इलाके के जंगल में 4 पिंजरे लगाए थे, साथ ही उसको ट्रैक करने के लिए जंगल के अंदर 25 कैमरे भी लगाए गए थे जिनके माध्यम से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ जब तेंदुआ ने पिंजरे में रखी बकरी का शिकार आसानी से करके चला गया और वह पिंजरे में पकड़ा भी नहीं गया। तेंदुए की फुर्तीलापन और चालाकी को देखते हुए शहर और वन विभाग में दहशत फैल गई। उसके बाद सतर्क वन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया। अयोध्या रेंज के DFO सितांशु पांडे का कहना है कि रात्रि 3 बजे के करीब नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। ये कैंट इलाके के हेलीपैड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ है। इसको डॉक्टरी परीक्षण के बाद प्राकृतिक आवास श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा स्थित सोहेलवा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस नर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से तेंदुए की दहशत जो शहर के अंदर थी वो समाप्त हो गई है। जो मादा तेंदुआ है वो पकड़ गई, कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किस तरीके से उसको ट्रैक किया गया? ये 35 दिन की कड़ी कार्रवाई और मेहनत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा जो रेंजर अयोध्या हैं और जो हमारा स्टाफ है जो पूरा 35 दिन 24 घंटे ये जो 4 टीमें बनाई थी 6-6 घंटे की, और ये टीम आप कभी भी जाइए कैंट एरिया में आपको हमेशा पाई जाएगी। कभी भी लोग फ़ोन करते थे हम लोग 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते थे, और वो टीम पेट्रोलिंग भी करती थी, जन जागरूकता भी फैलाया हम लोगों ने, और पेट्रोलिंग के दौरान वो देखती भी थी कि कब तेंदुआ कब आया, और उसका हमने एक मैप भी बनाया था और मैप के अनुसार ही हमने वो 4 केजेस जो 4 पिंजरे थे हमने वहाँ लगवाया, और उसको हम शिफ्ट करते रहते थे जैसे जैसा तेंदुआ हमारा शिफ्ट होता था। हमने एक 25 कैमरा ट्रैप लगवाए थे और पूरे एरिया को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा था, और उसको हर भाग को हम अच्छे से एनालाइज करते थे। सुबह 10 से 12 हमारा ये एक टीम थी जो कमांड सेंटर बना रखा था, और वहाँ पर हमारा टीम बैठकर उसके एनालाइज करती थी, विश्लेषण करती थी, और उसके बाद हम देखते थे कि उस कै पिंजरे को कहाँ कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और ये तीसरी बार हमने प्रयास 2 बार और प्रयास किए थे, 2 बार हमने प्रयास करते करते रह गए, पकड़ते पकड़ते रह गए, इस बार हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ है। बहुत बहुत ये मैं आभार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कैंट वालों का जो कि हमारे साथ सहयोग किया उन्होंने। अच्छा, ये कितनी बड़ी है तेंदुआ, क्या उम्र होगी इसकी और क्या किसी तरीके की कैजुअल्टी भी किया इसने?
जनहित जन कोई भी आदमी तो नहीं मरा है, इसके सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है एक दो लोग तो घायल कर ही देता है ये, पर यह है कि अभी इस समय हमने 35 दिन के अंदर ही पकड़ लिया है। नॉर्मली 2-3 महीने ये ऑपरेशन चलता है, तो अभी तक तो इस पर कोई नहीं है। हालांकि कैटल और जो कुत्तों को और बकरियों को इसने ज़रूर चोटी हानि पहुँचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये है कि और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसएसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एसएसपी ऑफिस गेट पर दरोगा की पिटाई। महिला ने दरोगा पर लगाया शोषण का आरोप। महिला के मुताबिक दरोगा मोहित चौधरी ने उसको झूठे मुकदमे में भेजा था जेल। एसएसपी ऑफिस में दरोगा को देख महिला ने खोया आपा। बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर की रहने वाली है महिला रुखसाना। घटना के बाद सीओ प्रथम श्वेता यादव और कोतवाल हिमांशु निगम पहुंचे। उससे पहले महिला थाने की महिला पुलिस उस महिला को महिला थाने ले गई। महिला के साथ पूछताछ जारी है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही है और काउंसलिंग कराई जा रही है। डॉक्टर बुलाकर महिला की जांच कराई जाएगी। बरेली के एसएसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। ये महिला थाना बहेड़ी क्षेत्र के फरीदपुर गाँव की है और इसने अलग अलग स्तर पर कई जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं। आज एसएसपी दफ्तर के बाहर एक दरोगा के पर हमला कर दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त मालूम होती है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। महिला थाने में इसकी काउंसलिंग की जा रही है और ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति का पता चल पाएगा। कुछ नहीं छोड़ा मैं ना पुलिस ने और ना उन्हीं मेंबर ना घंटा सुनील मेंबर भी था और सुनील मेंबर था और विकास मेंबर था पप्पू एंटीना था जलील टेंट था विकास मेंबर पप्पू एंटीना सुनील मेंबर पप्पू एंटीना सुनील मेंबर पप्पू एंटीना सुनील मेंबर ठीक है और गुड्डू मेंबर दूसरा सुनील मेंबर गुड्डू मेंबर दूसरा सुनील मेंबर दूसरा सुनील मेंबर नरेश मेंबर नरेश मेंबर आमिर मेंबर नरेश मेंबर आमिर मेंबर। इस दरोगा ने कहा कि 10 मेंबर तेरी गवाही दे रहे हैं झूठी और आधा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है पूरा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। मैंने कहा बात सुनो मेरे सामने पीछे पंचायत करते हो दिल्ली नकलो मुंबई होती हूँ मैं ये बरेली मेरे सामने में आप चौकी पे आई हो अब तुम सबको मेंबरों को बुला लो आधे गांव को बुलाओ पूरे गांव को बुलाओ किसी के नाम तो दरोगा पे क्या आरोप है दरोगा पैसा खा के दबाए रहा सब मेरा सब कुछ करा है। इस दरोगा ने कहा आसपास पुलिस के चौकी के सामने बता दीजिए रेप हुआ तुम्हारा किसी ने मेडिकल नहीं करवाया मैं समझ भागी दौड़ी फिरी और बोला तेरा ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा हाँ ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा तेरा हिंसा इनकाउंटर आइए मत आज तक झागी मत मुझसे बोला जितने जोर में लगा मिला लगा ले तू चौकी को हड़वा दे मेरी सुन तेरा ना ठेका है ना तेरा बीमा है ना तेरी एजेंटी है इनकी तेरी आज नौकरी है ना कल कहीं परसों कहीं तूने जिंदगी ठेका लिया कहीं मरे या मैं मुर्दा गिर गया तुझे जिंदगी को मुर्दा तुम्हें जेल भी भेजा गया हाँ मैं जेल में बंद रहेगा आई हूँ क्यों बंद रही बात में सबने जेल में भेजा इसने पैसा खा के किस मामले में जेल भेजा इसी मामले में जेल भेजा है एक गाड़ी लाया मोहित चौधरी तुम्हें तुम्हें किस बात मुझे मुझे हिंदू बुलाया था कि जब तेरी चाचा ही रही है ढाई महीने में चाचा ही है डीआईजी साहब क्यों हुआ मैडम ने कब भेजा था जेल ढाई महीने हो गए ढाई महीने पहले रमजानों में तेरी जांच है रही तेरी जांच का भी सबूत नहीं मिले हैं बहरी थाने मुझे नंबर दिया नहीं लिया मेरा नंबर बहरी थाने में नंबर नहीं लिया मुझे बैठा लिया सब पुलिस बुलाई इस बार का दिन रखा बरेली की सारी पुलिस थी मैं सब पुलिस मुझे मिली एक लेडीज हाथ में पकड़े किधर पकड़े मुझे लेगी लेडीज पुलिस पहले अस्पताल में लेगी मेरा रमजान था मेरे रमजान मुक भी जाया मेरा मेरी कोरोना थोड़ी कोरोना ठीक है समझ गया समझ गया मैं और बोलूंगी अभी मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है तुमने इसकी मेरी जांच कराओ इसकी रिपोर्ट कराओ एक्सरे कराओ। प्रकरण संज्ञान में आया है पुलिस ऑफिस के बाहर एक महिला बहेड़ी क्षेत्र की जो कि काफ़ी तेज से चिल्लाती हुई आई और एक दरोगा से उलझ गई। जब पूरा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पता करने की कोशिश की गई तो
तो ये पता चला है प्रथम जो दृष्टि में आया है कि इस महिला ने कई अलग अलग प्रार्थना पत्र पिछले थानों पर दिए, अलग अलग स्तरों पर दिए, जिनमें अधिकांश मामलों में दरोगा या जो भी विवेचक जांच अधिकारी रहे हैं उनमें ये पाया गया कि उनके जो आरोप हैं वो असत्य पाए गए, या अन्य मामलों में उनके द्वारा समझौता कर लिया गया जिसकी कि छाया प्रति इसमें लगी हुई है। और ये जो दरोगा जी आए इन्होंने भी एक जांच उसकी करी थी, तो इसी बात को छुप धो करके इस महिला ने पीछे से धक्का देने की कोशिश करी और तेज़ी से आवाज़ में गाली गलौज इत्यादि करते हुए, ऐसा प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है कि मानसिक रूप से अभी स्थिर नहीं है वो, और उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है महिला थाने पर, काउंसलिंग बुला करके डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई है और कोशिश की जा रही है कि वो शांतचित होकर अपनी बात कहें और एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे कि क्या बात उनकी कितनी उसमें सच्चाई है या कितनी उसमें क्या चीज़ें हैं, और अग्रिम कार्रवाई जो सच होगा उसके आधार पर की जाएगी। तो महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या आरोप लगाया, क्योंकि उसमें रेप की कोई बात सामने आ रही है। ये जो प्रार्थना पत्र कई बार अलग अलग पटलों पर वो दे रखी है और कई बार उसमें जांच भी हो रखी है, उसमें 15 वर्ष पूर्व की हवाला उसने दे रखा है किसी व्यक्ति के नामजद कि वो व्यक्ति से उसने उसके साथ दोस्ती करी और शादी किसी दूसरे के साथ कर ली, अलग अलग समय पर इसकी जाँचें भी हुई हैं और 15 वर्ष पूर्व का प्रकरण है, उसको भी पुनः उसको गहराई से उसको देखा जाएगा और काफ़ी मानसिक रूप से मतलब अभी फ़िलहाल वो शांतचित्त नहीं लग रही हैं और उनसे शांत जब वो शांत हो जाएंगी तो बात करी जाएगी, काउंसलिंग कराने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फरुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव डांडीपुर में शनिवार शाम 6 बजे के लगभग मां के द्वारा मैक्रोनी बनाई गई थी। उसके बाद शिवम, अनुपम, आशा, गौरी आदि बच्चों के द्वारा मैक्रोनी खाई गई। इसके बाद उन बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शिवम उम्र 8 वर्ष, पुत्र मान सिंह की रविवार 8 बजे सुबह मौत हो गई। सोमवार आज अनुपम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष, कक्षा 3 की छात्रा। पिता मान सिंह का कहना है कि माँ सहित 4 बच्चों ने मैक्रोनी खाई थी। अभी से इन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3 लोग जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना पुलिस को सूचना मिलते ही एसआई प्रमोद, एसआई सुधा पाल अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पड़ोसियों से जानकारी ली है। इन 2 बच्चों की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन गाँव में कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रमित राजपूत, डॉक्टर गौरव भी मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे। क्षेत्रीय लेखपाल गौरव भी मौके पर पहुंचे और उसमें पूछताछ की, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बताने को तैयार नहीं है कि इन 2 बच्चों की कैसे मृत्यु हुई है। क्षेत्र में मैक्रोनी बेचने वालों का तांता लगा रहता है और यही पता नहीं कि कौन क्या चीज़ भेजता है। उसी को लेकर पुलिस भी मैक्रोनी बेचने वालों पर शिकंजा कसने वाली है, जिस पर चाची पूजा का कहना है कि मैक्रोनी इनकी मां रिंकी द्वारा छत पर झोपड़ी में रखे चूल्हे पर बनाई जा रही थी, तभी इनके परिवार वालों ने उसको खाया। जो पिता धान की फसल देखने के लिए गया था वही सुरक्षित घर में बचा हुआ है। 2 बच्चों की मैक्रोनी खाने से मौत हुई है, लेकिन उन्होंने पीएम की कार्यवाही को कोई सूचना थाना पुलिस को नहीं दी और दाह संस्कार कर दिया। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सोमवार को
बिछरा मऊ बेबर रोड स्थित नवीगंज पुलिस चौकी पर मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने चौकी परिसर में बने नवनिर्मित मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया। मंदिर में भगवान शिव, हनुमान जी, दुर्गे माता, राम परिवार की मूर्तियां स्थापित हैं। विधान से हवन यज्ञ कर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। एसपी मैनपुरी ने भगवान की पूजा अर्चना की व पुष्प अर्पित किए। सीओ भोगांव चंद्रकेश बाबेबर, एसओ नरेंद्र शर्मा एवं चौकी प्रभारी रिंकेश शर्मा ने पुलिस अधीक्षक का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे कार्य प्रभु की कृपा से होते हैं। थाने में बने मंदिरों से पुलिसकर्मियों में भक्ति का भाव की भावना जागृत होती है। इस कार्य की क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। नवीगंज चौकी प्रभारी की तारीफ कर बधाई दी। इस मौके पर ऋषि प्रधान, नवीन कुमार, मक्खन लाला, मुकेश डीलर, आनंद सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम के उपरांत नवीगंज चौकी प्रभारी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। शुभारम्भ किया गया मंदिर का, क्या इस संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? बेवर थाना अंतर्गत नवीगंज चौकी परिसर में आज एक मंदिर की स्थापना किया गया। आज उसका शुभारंभ था। भगवत कृपा से ही ये कार्य संपन्न हो पाता है और चौकी इंचार्ज को ऐसी प्रेरणा मिली कि जन सहयोग से उन्होंने ये मंदिर को स्थापित किया। आज क्षेत्र में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इन सब चीज़ों से आदमी धार्मिक रहता है और अनैतिक कार्यों से बचा रहता है, तो ये एक तरह से पुलिस के कार्यों को भी आसान करता है कि आदमी धार्मिक रहे, अपने कार्यों को ठीक से संपादित करे। और ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की जन सहयोग से इन्होंने किया और सबकी आस्था बनी रहे। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सीधे जिले के बहुचर्चित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कारनामे चर्चित रहते हैं। बताया जा रहा है कि कल जब बारिश हो रही थी तब कंपनी के अधिकारी एसी रूम में आराम से बैठे हुए थे। तभी गरीब बस्ती बुडगोना में पानी का कहर जारी था। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हम लोगों के बस्ती के करीब 50 मीटर दूर पर माइंस स्थापित किया गया है, जिससे ब्लास्टिंग के चलते आए दिन पत्थर उचक आते हैं। उसके पश्चात आज तो हद ही हो गई। पहाड़ के पानी निकासी के लिए पूरा बस्ती के तरफ अल्ट्राटेक प्रबंधक के ठेकेदार द्वारा मोड़ दिया गया, जिससे चार घर गिर गए एवं पूरे बस्ती में पानी ही पानी हो गया। खाने की सामग्री बर्बाद हो गई, छोटे छोटे बच्चे बहने लगे, जिसकी सूचना चौकी प्रभारी पिपरा एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला सोशल मीडिया प्रभारी अवंतिका सिंह को दी गई। जब जाकर 9 बजे रात भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी अवंतिका सिंह ने आकर जाँच की, लेकिन प्रबंधक को सूचना दी गई। प्रबंधक के ना सुनने पर 11 बजे रात लगभग सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग पिपराब चौकी में सूचना देकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मैन गेट पर धरने पर बैठ गए। पूरी रात महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर गेट पर बैठी रहीं। जिम्मेदार अल्ट्राटेक प्रबंधक के अधिकारी एसी रूम में खर्राटे भरते रहे। जब सुबह हुई तो प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा बुलाकर मौखिक रूप की बात की गई, जिसमें समाजसेवी तेज बहादुर सिंह एवं राजेश साकेत सभी लोगों की बातों को क्रम से रखकर उसके पश्चात सभी लोगों के सामने प्रबंधक के अधिकारी बात किए, जिसमें सहमति ये बनी कि 11 दिन 4 से 5 व्यक्ति आकर लिखित रूप से अपनी बात रखेंगे एवं निष्कर्ष होगा। अगर विश्वासजनक बात नहीं रखी गई तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को अल्टीमेटम देकर 7 दिन के बाद आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं कर्मचारी होंगे। मूल्यांकन करें, अंदर की ओर उचित संरक्षण मुहैया कराएं। ये देख सकते हैं नजारा, ये नई बस्ती पटना का है। इन घरों की कंडीशन इस तरह से है, ये देख सकते हैं इन घरों में किस तरह से पानी भरा है। ये देखिए, ये घर का नजारा है। हाँ, देखिए इस तरह घरों में पानी भरा हुआ है, पूरा प्याज है। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर।
चमचाबाद रोड स्थित ऑल सेंट स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को स्कूल परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ शारदे के चित्र के समक्ष प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ ही विद्यालयों को खेल दिवस एवं जीवन में खेलों के महत्व को बताया गया। इसके लिए विद्यालय के चारों हाउस को अलग अलग गर्ल्स और बॉयज वर्गों में बांटा गया। सर्वप्रथम उद्घाटन स्वरूप बॉयज का कबड्डी मैच रेड और ब्लू हाउस के बीच आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी, बास्केटबॉल आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने की होड़ दिखी। प्रत्येक छात्र प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था, जिससे निर्णायकों को विजेताओं के नाम घोषित करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नामों की सूची। इस अवसर पर प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम सभी को अपनी पसंद का कोई ना कोई खेल अवश्य ही खेलना चाहिए। उप प्रधानाचार्य आनंद सिंह ने समस्त शिक्षकों का राष्ट्रीय खेल दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए धन्यवाद दिया एवं छात्र छात्राओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। विद्यालय के निदेशक त्रिलोक सिंह राणा ने सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल हमारे तन मन को स्वस्थ रखता है। यह तनाव मुक्त रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज के समय में जहां प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तनाव में है, वहां खेल तनाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये रेड हाउस की रेडर रेड डालते हुए कमाल चेहरा प्योर हाउस आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।